विकास जी इसे यो मेरे को हां चला ही लायो है ये सेंटर दिखा दो उसे मेरे सारे बड़े बुजुर्ग नौजवान भाइयों ने क्रांतिकारी भाइयों ने राम राम भाई पहले तो शिमला गांव में पहले भी आते रहे हाँ भाई बड़े और आपके गांव के चाहे भाई राजेंद्र हो जो किसान आंदोलन में लगातार हमारे साथ में जुटा रहा चक्रिया में जरूरत पड़ी रोवर भी नाम भाई सारे ने ध्यान बोलिया सकल तो सारे ने पिछाणा क्योंकि लगातार संघर्ष माए बॉर्डर पर हमारे घर डटे रहे और हमें जो लड़ाई चल रही थी किसान आंदोलन की उसके दौरान भी बता करते कि भाई कोई भी महामारी नहीं है यार लोगों को इसके अंदर डर का माहौल पैदा करा जा रहा है लोगों को डराया जा रहा है लोगों का ब्रेन वॉश करा जा रहा है कि भाई लोगों के अंदर एक इस तरीके का भय पैदा कर दो घर घर से निकलना ही लोगों का समझे बस दो चार घंटे नरवाना तक घूमे आए जीन तक घूमे आए सार तक जाया इतने बुरी बड़ी गलती हो इतना डर बिठाया गया पहले नोले बस थाली बजा दो फिर ताली बजा दो बस कौन सी बीमारी ऐसी बुखार भी ठीक हो रहा जुकाम भी ठीक को नहीं हो ताली थाली बजा कर दो हो जाए कोई सी कोई बीमारी हो जाएगी ठीक है इसी तो घोसले करना था तो वह लोग मैं फिर नोले भाई एक दिन का लॉकडाउन है उसके बाद चार महीने का लॉकडाउन है तो इस तरीके है लोगों के अंदर एक ये भावना बनाई थी कि कोई बहुत बड़ी महामारी आएगी अगर तमें ही भी इनका नियमों का पालन नहीं करोगे तो वह मरजोगे तो सीधी सी बात यह है भाई कोई भी बीमारी नहीं है यार सिर्फ सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है और गुलामी की तरफ लिखा लग रहे जिस तरीके था अपने ये बीज खराब करे थे फसलों के पहले आप देसी क्यों बोलिया करते और भी कोई खेती होती तो देसी बीज अपने घर में तैयार हो जाया करते और बूटे तो लोग रख देता क्यों कर रख लिया लेकिन वह भोजन दे तो ये पहले तो वह फसलों के बीज खराब करे गए और जो ये बूढ़े बैठे हैं ये जो आने वाली नस्ल है इनके बीज खराब करने की तैयारी चल रही है और ये लोग ना पहली डोज और दूसरी ये लगातार भाई जितनी भी डोज है ये एक दो तीन गुना ये आठ डोज है रही आठ डोज और कई जगह देखा लोगा भाई मास्क तो बोले धर्म के बोला भाई कटड़ा होके सूर धर्म गया बोला मास्क सूर धर्म गया इसी सी बात सुन वीडियो भी नहीं बचे तो है डॉक्टर साहब बता रहे एक रिपोर्ट आ रही है भाई जो आने वाले बच्चे हैं अगर ये सारे टीके टाके लग गए तो आने वाले जो बच्चे हैं वो जानवर की तरह दिखा करेंगे और किसी का कुंजन हो जाए और से किसी का एक कान हो जाए तो इस क्रिया के दिखेंगे भाई इस तरह बचना है अगर लोगों को लोगों ने जागना पड़ेगा भाई हमने लगातार एक बॉर्डर पर रही तो देखा कि हमने थाली में खाना खाया कट्ठे पेट के खाया और इस महामारी का आंदोलन के दौरान एक भी डेथ नहीं हुई किसी की मृत्यु को नहीं हुई इस बीमारी से भाई जितने के जितने मरे वह भाई को गर्मी का मर गया कोई सर्दी का मर गया इस महामारी से किसी की भी कोई डेथ नहीं हुई तो वह लोग यो है एक पॉपुलेशन घटाने का एक तरीका है जनसंख्या कम करने का तरीका अपनाया जा रहा है नुका हमारा टेम्पर शरीर के अंदर चिप लागेंगे ये डोज डाल लग गया पत्थर उस चिप तो सारा शरीर कंट्रोल होगा उस चिप के अंदर आप के खा रहे हो आप खेत के अंदर के वो रखे आपने पूरा दिन में केक रहा वो सब होता वो मैं चलेगा और चिप तो आप कंट्रोल हो गए तो भाई यह है आदमी ने बचाने की लड़ाई है भाई जीवन बचाने की लड़ाई है नस्ल ने बचाने की लड़ाई है बाकी तो भाई सुशील नरवाल है डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी है भाई विनोद है बताऊंगा जरा इतना हॉस्पिटल लेकिन मामा नुबेरा भाई अगर कोई लड़ सका पूरे देश में बहुरा लोग और हरियाणा है जो सबसे ताकतवर लोग लड़ने का मामला में कोई है तो हरियाणा लड़ सका है चाहे कोई भी युद्ध होया जो हरियाणा की धरती पर लड़ा गया बाहर गया जीत्या हो चाहे पानीपत का हो चाहे महाभारत का हो अरे किसान आंदोलन का ताजा उदाहरण है डेढ़ साल जो आंदोलन चल लिया वो सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम दिल्ली के समीप थे बस सरकार में डर था हमारा तो भाई यार मिलकर लड़ाने तो ये आसपास के जो अपने डिस्ट्रिक्ट है मजबूत है भाई दिक्कत है अगर मिलकर लड़ाएंगे तो इस आंदोलन ने भी जीतेंगे और इसने भाई तो जबरदस्ती तानाशाही देश के अंदर हो रही है इसने भी देश का बचाने का काम करेंगे भाई बहुत बहुत धन्यवाद पूरे शिमला का हमारे यहाँ दूर इकट्ठे हुए इतनी मात्रा में धन्यवाद।
सुनील सालवन गांव से आपके सामने कुछ तथ्य पेश करेंगे। सुनील मेरे पिता समान बुजुर्गो, मेरे नौजवान भाइयों और कुछ प्यारे प्यारे बच्चों, जो काफी समय तक हफ्ते 10 दिन तक लगभग आप जो आप तक जो बात आ रही है उसमें मोटा मोटा भाई ने विकास ने आप तो बताया, बस थोड़ा सा चिंतन करने की बात है, थोड़ा सोचने की बात है। अगर घर की लड़ाई हो, मान लिया आपस में दो भाई बहन पड़े तो बापू समझा दे, अगर थोड़ा और एक कुनबे की लड़ाई हो तो बड़े बूढ़े बैठ के समझा ले, एक मोहल्ले की लड़ाई हो तो एक आधा मेंबर मिलकर सरपंच मिलकर समझा ले, गांव दो गांव की लड़ाई हो तो थोड़ा और ऊपरला मिलकर समझा ले। लेकिन जो आप एक बात देखो, जो यह समस्या है ना तो यह किसी घर की, ना या गांव की, ना या हरियाणा की, और ना या कल्ले देश की। अगर बात करें तो पूरी दुनिया में चल रहा है, कहीं अगर दिमाग में आ जाए तो पूरी दुनिया में आयो खेल किस तरह है। लड़ाई की आप बात कर रहे हो भारत में, लेकिन ये टिक्के तो सारी जगह ठोके जान लग रहे, पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी को, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं सुशील जी हैं बलारा भाई हैं, ये आप तो और जब डिटेल में बात करेंगे तो इनकी भूमिका खतर में एक बात कहना चाह रहा कि जितनी बड़ी लड़ाई है उसी हिसाब से तैयारी भी होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं, जिस तरीके से एक साल तक बैठ के नस्ल बचाने की और फसल बचाने की लड़ाई चली है और उसमें बड़े ने बुढ़े ने नौजवानों ने मिलकर एक साथ एक विचार पाकर वो जीत लिया, उसी रास्ते पाके एक और बड़ी लड़ाई की जरूरत है। मैं पिछले 10 साल तक खेती पे काम कर रहा भाई साहब, स्वास्थ्य पे चिकित्सा पे काम कर रहे, और देवेंद्र जी को तो आप जान ही रहे हो। तो 10 साल में आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप उस पर क्या जवाब दोगे? आप देखियो, क्या सब्जियों के बीज किसी के घर में अपने हैं? है? किसी के घर में अपने सब्जियों के बीज नहीं है। अच्छा ढैंचे का बीज है, ढैंचे का भी अपना नहीं। हां जी दाड़ा के बीज है, दाड़ा के बीज। भाई एक मिनट, ना सब्जियां के बीज है, ना दाल के बीज है, ना ढैंचे का बीज है। किसी की भी बात कर लो, सारे के सारे कंपनियां के हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा हरियाणा किसान हरियाणा है, पूरा हरियाणा किसान है। तो किसान कहोगे किसने? ना तो बीज अपना, ना खाद अपना, ना मशीन अपनी तो नहीं, सारी कंपनियां तो लेकर हुआ ट्रैक्टर ट्रैली जो कुछ भी है। उसके बाद मंडी, वह भी अगले का भाव मारा, वो भी भाग होनी। फिर उसके बाद लेकर हुआ, जब पहले तो थोक में सारी चीज सस्ते भाव देवांगे, क्विंटला में अनाज दे दिया, और जिस भाई ने चुन लेना हो शहर में वो 5 किलो लेकर आएगा, कितने गुना करके 2 गुना भाव है। तेल लेना होगा वो 3 गुना भाव है। मतलब जब बेचांगे तो फूटी कौड़ी नहीं मिलती, और जब लेवांगे तो 3-3 गुना भाव लेने पड़ेंगे, तो बर्बादी आएगी कि नहीं आएगी? और जब खाद अपना नहीं, बीज अपना नहीं, मशीन अपनी नहीं, मार्केट अपनी नहीं, स्वास्थ्य अपना नहीं, दवाई अपनी नहीं, तो बर्बादी आएगी कि रुकेगी? और अगर ये सारी चीज किसी कंपनी के कब्जे में है तो फिर किसान किसने कहोगे? बचे हम किसान है ही नहीं किसान, हम तो बंद हुआ मजदूर है, बोन तक लेकर और आग लेके बेचन तक। मैं इस बात पर ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बाकी है बड़ा विषय है वो भाई साहब बताएंगे। मैं एक ही बात ये कहना चाह रहा हूं, बीज अपना नहीं, खाद अपनी नहीं, मशीन अपनी नहीं, दवाई अपनी नहीं, स्वास्थ्य अपना नहीं, पैरावा अपना नहीं, कुछ भी तो नहीं हमारा रहा। और जब ये अपना नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि हम बंधुआ मजदूर यानी गुलाम बनकर रह गए। बात भाई ने तो मैं अगली जो मेरी बात थी वो भाई ने कह दी, छोटे भाई ने ये बात रह रही थी भाई, मारी मर्जी थी भाई मैं त्रिफला खा के ठीक कर लूं, भाई मैं कोई दातुन करके ठीक कर लूं, नीम के पत्ते चबा के ठीक कर लूं, या कोई काढ़ा पी के गात ने ठीक कर लूं, बुखार ठीक कर लूं, उस पर भी पाबंदी है भाई। जो मैंने 5 बात बताई, खाद बीज मशीन मार्केट और बा, उसके साथ में बचा था शरीर, वो भी अपना नहीं।
तो जब इसी हालत है बोल दे कि मेरे कंट्रोल में मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा शरीर कुछ भी नहीं है, तो फिर बचा के है। तो अब मैं ये कह रहा था, तो शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि लड़ाई किस स्तर की है, लड़ाई कितनी ऊंची है, यह चीज आज तक हमने समझ ली है। और जो लड़ाई हमने एक साल में जीती है, भाई विकास जी कह रहे थे, छोटा भाई कह रहा था कि भाई महाभारत भी लड़ा, पानीपत की लड़ाई भी लड़ी, और नया नया उदाहरण दिल्ली की लड़ाई भी लड़ी। एक और लड़ाई दोबारा थे, पहली लड़ाई खत्म होते ही दूसरी शुरू हो गई है, वो अपने नस्लों ने बचाने की है। और यह नस्ल ऐसी अगर बचा गए तो ठीक, नहीं तो सोच सोच कर हैरान हो गए, सोच सोच कर बर्बाद हो जाएंगे कि ऐसा भी होना था। एक आखिरी बात मैं कहकर खत्म करूं, जितने बीज हुए, मान लिया किसी ने घी या तोरी बोली, तो उसमें न्यू को है, एक तो इसमें पुलिंग है, यानी एक तो नर है और एक मादा बीज है, न्यू को है, एक नर बीज है और एक मादा बीज है, इकट्ठे बोएंगे तो आगे फल बनेगा। आज इसे बीज है रे जिसमें नर है ही नहीं, यानी मादा ही मादा है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आजकल पोली हाउस नेट हाउस लग रहे, आपने देखे होंगे पूरे किले में टेंट से लाद है, उन टेंटा में खीरे की खेती हो, उन टेंटा में और भी सब्जियां खेती हो, जिस तरह शिमला मिर्च की हो, उसमें और भी कई टाइप की खेती हो, कई डाल की खेती है उसमें, और उसमें बीज केवल मादा मादा है। और वो खीरा जब मेरे शरीर में जाएगा, पूरे मेरा परिवार है, मेरे बड़े बुजुर्ग है, मैं इसमें कहने में कोई शर्म नहीं, जो आदमी का बीज बने नहीं, आदमी तो आगे जो प्रजनन हो अगली पीढ़ी आवे वह बीज तय आवे, और वो बीज जब बने जब हम कुछ खावा, और जब खान में गड़बड़ है तो बीज में गड़बड़ आएगी कि नहीं आएगी, आप अपनी मर्जी से बता दो। और जब बीज जो हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, अगर बीज बनाना है और उसमें नर नाम की चीजें नहीं, तो नपुंसक होवेंगे कि नहीं होवेंगे। उस पर तो बात यह है, सुनो जी एक बार, अच्छा एक मिनट सुनो, चल भाई भाई धन्यवाद भाई आपका, हम आपके गांव में रहे हैं, एक मिनट सुनियो, बीज खराब होने का मतलब पूरा छोरे छोरी की बात है, कुछ छोरे छोरी की बात नहीं हो रहा है, बात बांझ बनकर नपुंसकता की चल रही, अरी बात रही अक्सर कार की। चलो भाई देखो आखिरी बात है कि ध्यान से सुनियो, किसी का फ्लेवर हो सका भाजपा का, किसी का फ्लेवर हो सका कांग्रेस का, किसी का फ्लेवर यानी स्वाद कोई इन लोगों का हो सका, कोई किसी का भी हो सका है, लेकिन ईमानदारी से बात करो, या जो बीमारी चल रही है कांग्रेस बोली, कांग्रेस बोली है, वे भी प्रेफर गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो भी उड़ा बात हो रही है